असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। किए कुछ बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आदरणीय मित्रों, हिंदी के महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इन प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जी मीडिया की इस विशेष प्रस्तुति में, विशेष शो में, जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। इस कार्यक्रम में उन लोगों के किस्से होंगे जो आम थे, जो आम थे और खास बन गए। बड़ी चुनौतियों भरी राह थी, आम से खास बनने की यात्रा कठिन थी। एक एक कदम संभल संभल कर रखना पड़ता था, कभी कांटे मिलते थे तो कभी खाइयां। आज की हमारे किस्से की सेंट्रल कैरेक्टर हैं एक महिला, और ये महिला रियल लाइफ की हीरोइन है, भारत की वीरांगना है, आज की कथानायिका है। भारत की ऐसी वीरांगना हमारी आज की कथानायिका है, मुंबई महाराष्ट्र की कल्पना सरोज। महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक पुलिसकर्मी के यहाँ कल्पना सरोज का जन्म हुआ। परिवार ने तब के सामाजिक परिवेश को देखते हुए महज 12 साल की उम्र में आपका विवाह कर दिया। आपका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। इन सब मुश्किलों के बीच आपने परिवार को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति के अत्याचारों का अंत नहीं हुआ। आखिरकार आपके पिता आपको घर ले आए। समाज के ताने सुनकर आपने अपने जीवन का अंत करने तक का फैसला ले लिया, लेकिन होनी को ये मंजूर न था। आखिरकार आपने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का मन बनाया और मुंबई आकर सिलाई का काम शुरू किया। जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी तो आपने कर्ज लेकर फर्नीचर का काम भी शुरू किया। कुछ पैसे जुटे तो कल्याण में एक जमीन खरीदी और वहां एक बिल्डिंग का निर्माण करवाया। साल 2000 में डूब रही कमानी ट्यूब्स के कर्मचारियों के अनुरोध पर आपने उसका अधिग्रहण किया और 11 साल की अथक मेहनत से उसके घाटे को फायदे में बदल दिया। समाज के लिए किए आपके उल्लेखनीय काम के लिए आपको साल 2013 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। जी एक बार फिर मैं विधिवत आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी जिंदगी एक मिसाल है, संघर्ष से कामयाबी तक की यात्रा, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी। अगर इसका लेखा जोखा हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बहुत खुशी होगी। मेरा जन्म जो है वो अकोला जिला में विदर्भ में हुआ। मेरे पिताजी पुलिस हवलदार थे। अब एक पुलिस हवलदार की पगार उस वक्त 300 रुपया हुआ करती थी। बड़ा सा परिवार था, दादाजी थे, चाचा जी थे, हम 3 बहनें 2 भाई, इतना बड़ा परिवार और 300 रुपये में गुजारा करना है। स्कूल जाना है अगर तो चप्पल भी नहीं हुआ करती थी पैरों में, ना ही कोई स्कूल का ड्रेस हुआ करता था। तो इस तरह से खैर ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जिस समाज में मेरा जन्म हुआ, जैसे कि मैं दलित समाज से हूँ, तो वहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। तो मैं 5वीं तक पढ़ी रही थी, तभी से मेरे मामा जी जो कह रहे थे, परिवार के जो लोग हैं वो कह रहे थे कि बेटी है शादी करवा देनी चाहिए। तो मजबूरन मेरे पिताजी का भी उनके सामने कुछ नहीं चला और उम्र की 12 साल में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब मैं मुंबई आई, क्योंकि लड़का मुंबई में रहने वाला था, यहाँ आने के बाद में पता चला कि एक झोपड़पट्टी एरिया है जिसमें ससुराल के लोग रहते हैं, घर के जितने भी काम करने हैं वो सारे मुझे ही करने हैं। लेकिन अगर काम में ज़रा सी भी गलती हो जाती है, जैसे कि खाना भी मुझे ही पकाना है सारे लोगों का, तो दाल में नमक ज़्यादा हो गया। आपकी उम्र सिर्फ 12 साल, 12 साल की थी जी। तो दाल में नमक ज़्यादा हो गया तो इस बात के ऊपर भी बाल पकड़ पकड़ के मारेंगे वो लोग कि माँ बाप ने यही सिखाया है, कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं आता।
तो इतना जुल्म उन्होंने उस ज़माने में ढाया है जिसका जिक्र आज भी होता है तो आँखें भर आती है। खैर, इस तरह से 6 महीने गुजर गए और मेरे पिताजी मिलने के लिए मुझे आए, और जब वो आए तो उन्होंने मुझे देखा तो वो पहचान ही नहीं पाए कि ये उनकी अपनी बेटी है करके। और मैं भी लिपट के खूब रोई पिताजी को, क्योंकि 6 महीने के बाद कोई मेरा अपना मैंने देखा था। तो मेरे पिताजी कहने लगे कि मैं नहीं रखूँगा इस हालत में बेटी को यहाँ पर, मैं ले जाऊँगा, क्योंकि मैंने बेटी मतलब बहा करके दी है, मारने के लिए नहीं दिया है। जी जी, तो पिताजी वापस ले आए, पिताजी वापस घर ले आए। तो इन सब के नज़रों में ये सवाल था मेरे लिए कि क्यों मैं आई, मतलब मेरी अर्थी नहीं आई, मैं जिंदा कैसे आ गई। ये पड़ोसी भी कह रहे थे और घर के दूसरे रिश्तेदार, फैमिली के लोग भी इसी तरह से सोचते थे कि मैंने ऐसे नहीं आना चाहिए था। और मैंने मन बना लिया कि अभी नहीं जीना है मुझे। मैंने देखा कि खटमल मारने वाली दवाइयाँ उस वक्त बिकती थी बहुत सारी, टिक 20, हाँ यस यस वही। तो मैं गई और मैंने एक नहीं दो नहीं तीन बोतलें खरीदी ताकि कहीं बच ना जाऊँ, कोई गुंजाइश ना बचे ऐसे। मैंने तीनों बोतलें खोली, फटाफट पी लिया, मुझे बचना था, शायद मैं बच गई, 24 घंटे में पॉइजन निकल गया। लेकिन उसके बाद जो लोग मुझे मिलने के लिए आते थे तो उनके बातों में तब भी वही ताने थे कि अरे क्या कर लिया था तुमने, अगर मालूम भी है तो मैं, अगर तुम मर गई होती तो लोगों ने क्या कहा होता। लोगों ने तो यही कहा होता कि महादेव की बेटी ने ज़रूर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे मरना पड़ा। चैन नहीं था लोगों को ना। तो ये बात जो है वो दिल की गहराई तक मेरे उतर गई कि ये क्या बात हुई, मैं मरूँ क्यों, अगर कुछ करके मुझे मरना है तो मैं कुछ करके जीऊँ क्यों नहीं। तो ये बात जो है वो दिल की गहराई तक मेरे उतर गई कि अब मरने का नाम मैं कभी भी नहीं लूँगी। मेरी माँ को मैंने कहा मुझे मुंबई भेज दो, तो बोले मुंबई जाकर क्या करोगी। तो मैं बोला वहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ है, बहुत सारी मिल्स है, कहीं ना कहीं कोई मजदूरी कर लूँगी। तो इस तरह जो मैं एक दो तीन साल मैं काम करती रही, उन्हीं के साथ रही, तो काफ़ी सारे पैसे मेरे इकट्ठे हो गए थे। लेकिन इसी बीच मेरी एक बहन जो मेरे से छोटी थी वो अचानक बहुत बीमार हो गई, तो इसका मेडिकल का खर्चा मैं उठा नहीं पा रही थी और वो मेरी बहन मर गई। तो मरते टाइम पे उसकी आँखों में जीने की चाह थी और वो कह रही थी कि मुझे जीना है, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ दीदी, मुझे बचा लो। और मैं इतनी मजबूर और बेबस थी कि मैं उसको बचा नहीं पाई। लेकिन बहन के मरने के बाद ये लगा कि पैसा ज़रूरी है, तब फिर ये पैसा कहाँ से आए। तब मैंने कहीं सुना था कि गवर्नमेंट के कुछ स्कीम हैं जिसमें से लोन मिलते हैं और वो लोन लेके हम कुछ भी रोज़गार कर सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद में मैंने जाके 50,000 का लोन लिया। तो एक प्लॉट था वहाँ पे कल्याण में, तो उस ज़मीन के ऊपर कुल और सीलिंग ये दो एक्ट लगे हुए थे, तो उस वजह से वो आदमी अपनी ज़मीन बेच नहीं पा रहा था, कोई ले नहीं पा रहा था, और उस बेचारे को बहुत तकलीफ थी पैसों की। तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मैडम हमारे पास में ये ज़मीन है, प्लीज़ आप इसे ले लीजिए, मैं 2.5 लाख रुपए में आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसको ठीक कर सको तो सोना है, नहीं तो ये तो मिट्टी है। लेकिन जब वो निकल गया, कुल और सीलिंग निकल गया, तो वही 2.5 लाख रुपए की ज़मीन मेरी 50 लाख रुपए की हो गई। इसी बीच मेरे पास में कमानी के कुछ लोग आए। कमानी ऐसी कंपनी थी जिसका एक हमारे देश में बड़ा ही एक ऐसे इतिहास है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वर्कर्स को मालिक बनाया था और मालिक को वर्कर्स मतलब मालिक को कंपनी से बाहर कर दिया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। 87 से 97 तक इन लोगों ने 10 साल जो है वो किसी तरह से निकाले, क्योंकि कंपनी के ऊपर 116 करोड़ रुपए का कर्जा कर चुके थे। और फिर नए जो प्रमोटर की तलाश शुरू हो गई, तो नया प्रमोटर कोई भी आने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं था। तो इन लोगों ने कहीं सुना था मेरा नाम, जिस तरह से मैं काम कर रही थी, तो वो लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मतलब उनके कमेटी के जितने भी लोग थे वो, और मैडम आप इसको टेक ओवर करें करके। तो मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे इंडस्ट्री का इतना क्या ये है। बोला नहीं, हमें पता है आप अगर मिट्टी छू लेते हो तो उसका सोना बना देते हो। और फिर मैंने वहाँ पे एक स्कीम पूरी तैयार की और उस स्कीम की कॉपी लेकर जब मैं गई उस वर्करों के साथ में, तो वहाँ एक बोर्ड था कंपनी के अंदर, तो आप टेक ओवर करना चाहती है, ठीक है आप बैठो यहाँ पे, ये खर्चे करो डेली के, तो बताइए हम आपको आपकी नियुक्ति कर देते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल, क्योंकि जब मैं आई हूँ लेने के लिए तो अभी उसमें ना की क्या बात है, मैंने चैलेंज स्वीकार कर लिया है था। इस चीज़ को करने के लिए आपने बेसिक जो कैपिटल है वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आपने लाए। ये तो जब पैसे देने की बात आई ना, जैसे कि वर्कर्स को देना हुआ, बैंकर्स को देना हुआ, तो कुछ हमने मार्केट से उठाया, कुछ हमारे सारे पार्टनर्स ने मिलकर निकाला और इस तरह से हमने सारा पे कर दिया। कल्पना सरोज जी के साथ हमारा ये जो कलाम है, ये जो प्रेरणादायक उनकी कहानी है जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें 7 साल का समय दिया।
वेलकम बैक टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। हम चर्चा कर रहे हैं कल्पना सरोज के साथ, बड़ी बड़ी चुनौतियां, कितने आंसू, कितनी तकलीफें। इनके लिए तो कवि प्रदीप की एक लाइन याद आ रही है, मत्रो मत्रो आज राधिके सुन ले बात हमारी, मत्रो मत्रो आज राधिके सुन ले बात हमारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। आपकी इस पूरी यात्रा में कोई आपका साथी, किसी ने आपको सपोर्ट किया, किसी का विशेष आप मानती हैं कि हाँ? जी हाँ, उसमें मन्नान जी गोरे जो कंपनी के एमडी भी है, वो कदम कदम पर मेरे साथ रहे और हमने दोनों ने मिलके काफ़ी कुछ फैसले लिए और काफ़ी कुछ काम करने। बाकी के जो आठ नौ लोग थे तो वो तो ये सारी प्रॉब्लम्स देख के डर गए और पीछे हो गए। उन्होंने कहा कि मैडम जब कभी पैसे आएंगे आप हमें दे देना। जी, मैं बड़े आदर के साथ यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा मन्नान जी गोरे। आइए गोरे साहब, आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए बैठिए। जी गोरे साहब, ये गाथा कल्पना सरोज जी की इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं आप। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस प्रोग्राम का नाम है किस्से कामयाबी के। आपके बारे में उन्होंने चर्चा की, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो हमने कल्पना जी को जो करीब से देखा वहाँ पे, वो ये देखा कि वुमेन ऑफ द विजन एंड मिशन, उसके पास एक उसका विजन था और एक मिशन था उसका। और बोर्ड में एक लेडी और हम दूसरे 11 जेंट्स जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कभी कभी ऐसा होता था कि 11 के 11 जेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तरफ होते थे और ये अकेली रह जाती थी। और वहाँ पे वो ये कहते थे कि भाई ये तो बहुत कठिन काम है, इसमें लॉसेस ही लॉसेस हैं। और कल्पना जी का कहना था कि बिजनेस, इसी का नाम बिजनेस है कि वहाँ नफ़ा और नुकसान है। और वो अक्सर जब मुश्किलें आती थी और कोई घबरा जाते थे हम, तो कहती थी, उसका एक शेर है कि वो देख कामयाबी के शोले मंजिल से इशारा करते हैं, वो देख कामयाबी के शोले मंजिल से इशारा करते हैं, अरे तुम हिम्मत हारे जाते हो, हिम्मत भी कहीं हारा करते हैं। अरे वाह वाह वाह, आप तो कवि हृदय है गोरे साहब। तो कल्पना जी की बातों ने हमें हमेशा हिम्मत दी। और एक थी बात उसमें जो देखी मैंने जी, उनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें 7 साल का समय दिया, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट ये 7 साल ये पैसा आप पे करो। 7 साल में अगर आप इसको गिने तो 100 करोड़ का फायदा था अकाउंटिंग के हिसाब से, उतना इंटरेस्ट हमें मिल जाता। सब बोर्ड ने कल्पना जी को कहा कि कल्पना जी हमको ये इन्जॉय करना चाहिए पैसा बिजनेस के लिए, आप बैंक को 7 साल में दीजिए। देश के अपर कोर्ट ने, सबसे बड़ी कोर्ट ने आपको रिलैक्सेशन दे दिया है जी। उसने कहा नहीं, मैं अभी ये पैसा दूंगी। पूरा बोर्ड अगेंस्ट था, उसने कहा मैं भी दूंगा। उसने ये कहा कि जब बैंक्स ने मुझे सपोर्ट किया तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि कोर्ट 7 साल का है, 10 साल का है, आप चिंता नहीं करना, मेरी जबान है, मैं आपको 1 साल में पैसा दूंगी। और ये कहते हुए मुझे फख्र और खुशी होती है कि इस लेडी ने 1 साल में पैसा दे के भारत में एक मिसाल पैदा की। इसलिए हमने देखा और मुझे फख्र है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पुरुष को जो है, पुरुष प्रधान देश है हमारा, स्त्री के ऊपर कमांडिंग करने में मज़ा आता है, लेकिन मैं फख्र से कहता हूँ कि मुझे इस स्त्री के साथ में इनके कैप्टनशिप में काम करने में मज़ा आता है। थैंक यू मन्नान गोरे साहब, सो नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार आपने सामने रखे। ये कथा जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एक आम आदमी है, अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं एक पोर्टल, कोई ऐसा है जहाँ पे जाके मुझे पता पड़ सके? तमाम स्कीम्स, तमाम सब्सिडीज, तमाम बेनिफिट, रिबेट, सबकी डिटेल में जानकारी दी हुई है। वेलकम बैक टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। मेरे मेहरबान दोस्तों, आज कथा या गाथा सुनी संघर्ष से सफलता की, और गाथा की मुख्य नायिका थी सुश्री कल्पना सरोज। एक और विशेष अतिथि से आपको मिलवाना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा श्री शौविक सेन गुप्ता का, जो ग्रुप बिजनेस हेड हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन शौविक सेन गुप्ता साहब। शौविक जी, स्वागत है आपका।
आई। एक आम आदमी है, अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं एक पोर्टल कोई ऐसा है जहाँ पे जाके मुझे पता पड़ सके, मुझे सारी इन्फो अवेलेबल हो कि ये स्कीम्स हैं। बिल्कुल सर, सबसे आसान तरीका तो है जो मिनिस्ट्री, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसका जो ऑफिशियल साइट है msme.gov.in, इसमें तमाम स्कीम्स, तमाम सब्सिडीज, तमाम बेनिफिट, रिबेट सबकी डिटेल में जानकारी दी हुई है। और आज की इंटरनेट की दुनिया में सबके फोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे तो होता ही है। इसके अलावा भी काफी सारे बॉडीज हैं, जो इंडस्ट्री बॉडीज है, एमएसएमई इंडस्ट्री बॉडीज है, वो भी सब्सिडी या ये सब के लिए काफी जानकारी देते हैं। पर सबसे अच्छा है ऑफिशियल साइट, एकदम अनडाइल्यूटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो msme.gov.in पे सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सेन गुप्ता साहब। एक बात और मुझे जाननी थी। बिल्कुल सर। कि व्हेन वी अप्रोच दीज मिनिस्ट्रीज और बैंक्स और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें प्रैक्टिकलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें ब्यूरोक्रेटिक कितने हैसल से आदमी को गुजरना पड़ता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स नहीं आते या तकलीफें नहीं होती है, पर आप अगर अपने, जैसे आप लोग अभी कह रहे थे, आप अपने इरादों में अगर बुलंद है तो रोक तो सकते नहीं है, क्योंकि काम अगर होना है वो तो होना ही है, थोड़ा शायद टाइम ज्यादा लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मेरे मेहरबान दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने जैसे आपसे पहले निवेदन किया था कि किसी की जिंदगी के अनगिनत आंसू और बेशुमार खुशियां, बेशुमार कामयाबी को एक छोटे से प्रोग्राम में समाहित करना संभव नहीं है। आज की गाथा पद्मश्री कल्पना सरोज की गाथा, ये कहानी है उस करुणा की, दया नहीं, उस करुणा की, ऐसे लोगों की जो चाहते हैं कि जो मैंने किया वो दूसरे भी करें, दूसरे भी अपने प्रयासों से उन्हीं आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। मैं बहुत आभारी हूं आपका, बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारी। ये रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस की प्रस्तुति किस्से कामयाबी के। चलता हूं, फिर एक और कामयाबी किस्से लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जय हिंद।